हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। देखिए, ऑप्शन स्ट्रेटजीज के ऊपर जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं वो सारे मैंने निफ्टी को लेके बनाए हैं, तो मुझे काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि निफ्टी को लेके काफी वीडियोस आप बना चुके हो, बैंक निफ्टी को लेकर कुछ वीडियोस आप बनाइए। और आयरन फ्लाई एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके बारे में मुझे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मतलब आयरन फ्लाई एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो मेरे व्यूअर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेरीज मुझे आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आयरन फ्लाई को आप बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। अब देखिए, मैं आयरन फ्लाई पे कई वीडियोस बना चुका हूं निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी तक मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आयरन फ्लाई को आपको बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है, और अगर जरूरत पड़े तो वहां पे आप एडजस्टमेंट किस तरह से कर सकते हो। हालांकि दोनों सेम ही है, जो रूल आप निफ्टी में अप्लाई करते हो सेम रूल आप बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मुझसे पूछा जा रहा था तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक निफ्टी में एक आयरन फ्लाई का आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए और जरूरत पड़े तो आप किस तरह से वहां पे एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पे मैं आपको दिखाता हूं बैंक निफ्टी में एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करके। तो देखिए, ये मैं आपको ले आया हूं स्क्रीन पर और यहां पे बैंक निफ्टी में मैं आपको एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करके दिखाता हूं। तो निफ्टी यहां पे लगा है, इसको मैं चेंज कर लेता हूं। बैंक निफ्टी मैंने लगा लिया है और यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करके। तो फैब सीरीज में अगर हम इसको ट्रेड करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरह के हमारे रिजल्ट आते हैं, किस तरह का हमारा सेटअप होता है। तो अभी बैंक निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 41,500 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो यहीं पे हम एक आयरन फ्लाई को मान लीजिए ट्रेड करते हैं। तो देखिए, यहां पे आपको क्या करना है, आपको एट द मनी पे जाना है और वहां का कॉल और पुट दोनों आपको सेल कर देने हैं, और आउट द मनी में जाके आपको हेजेस बाई करने हैं। आयरन फ्लाई का आपको पता होगा उसका सेटअप किस तरह का होता है, मैं बिल्कुल बेसिक वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि बैंक निफ्टी में आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए एक आयरन फ्लाई का, क्योंकि इसके बारे में मुझसे पूछा जा रहा था, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए, यहां पे आपको क्या करना है, जो एट द मनी का लेवल है 41,500, वहां का आपको कॉल और पुट दोनों सेल करने हैं और उसके बाद आउट द मनी में जाके आपको हेजेस को बाई करना है। तो 41,500 पे मैं चलता हूं, 41,500 का मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया और 41,500 का ही मैं एक पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा। अब यहां पे आपको क्या करना है, जब हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो वहां पे विड्थ है, उसमें हम बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी एक चंचल बच्चा है, बैंक निफ्टी बहुत तेजी से मूव करता है। निफ्टी है, निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करता है तो बैंक निफ्टी हो सकता है 300 पॉइंट मूव करे। तो बैंक निफ्टी है वो ज्यादा वोलेटाइल है, इस वजह से यहाँ पे हम निफ्टी जितनी विड्थ लेके काम नहीं कर सकते, यहाँ पे हमको ज्यादा विड्थ लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, 41,500 से लेट से मैं 500 पॉइंट नीचे जाता हूं, तो मैं 4100 पे जाके और वहां का एक पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा, और उसी तरह से 41,500 से 500 पॉइंट ऊपर जाके और 42,000 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहां पे मैंने क्या किया, जो विड्थ है वो 500 पॉइंट की रखी है, 500 पॉइंट में नीचे गया, 500 पॉइंट में ऊपर गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे आप देखिए, आपका जो मैक्सिमम लॉस है 2500 रुपीज का है और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ये ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज का है। तो यहां पे जो विड्थ है ये मैंने 500 पॉइंट ली है, अगर सेम विड्थ आप निफ्टी में लेते हो तो आपका मैक्स लॉस है काफी बड़ा हो जाता, लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी है वो ज्यादा वोलेटाइल है, इस वजह से जो विड्थ है वो आप ज्यादा ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 500 पॉइंट की विड्थ ली है, लेकिन इस विड्थ को आप और ज्यादा बढ़ा सकते हो, यू कैन मेक इट 700 और 800 पॉइंट, वहां तक भी आप इसको ले जा सकते हो। मार्केट में जो वोलेटिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया है 500 पॉइंट की विड्थ लेके, लेकिन हाँ, आपको हमेशा निफ्टी से ज्यादा विड्थ यहाँ पे लेनी है क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल है। तो ये स्ट्रेटजी है, ये है आयरन फ्लाई, ये एक 4 लैग स्ट्रेटजी होती है और मल्टी लैग स्ट्रेटजी होती है। उसमें एक ड्रॉबैक होता है कि वहां पे आपकी ब्रोकरेज है वो ज्यादा लगती है। अब देखिए, यहाँ पे 4 लैग ये ऑलरेडी है और मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट जाता है तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे एक ही ड्रॉबैक है कि ये मल्टी लैग स्ट्रेटजी है और अगर एडजस्टमेंट्स करने पड़े तो हमें और लैग ओपन करनी पड़ेगी, तो इस वजह से ब्रोकरेज है वो एक लिमिटेशन है यहाँ पे कि ज्यादा ब्रोकरेज लगता है। तो उसके लिए मैंने पहले भी बताया है कि एक ब्रोकर है जो 0 ब्रोकरेज पे हमें ट्रेड करने के लिए अलो करता है और उस ब्रोकर का नाम है एमस्टॉक। एमस्टॉक पे अगर हम ये करते हैं तो वहां पे ब्रोकरेज है वो बिल्कुल 0 है। ऑल्दो मैंने पहले वीडियो बना के उसके बारे में सब कुछ बताया, लेकिन एक बार क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि वहां पे हमें क्या एज मिलती है। तो देखिए, ये मैं आपको एमस्टॉक की स्क्रीन पर ले आया हूं और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है, क्या क्या एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो है कि यहाँ पे ब्रोकरेज है वो बिल्कुल 0 है।
यहाँ पे आप देखिए, अगर आप डिलीवरी लेते हो तो वहां पे भी ब्रोकरेज जीरो है, इंट्राडे में भी जीरो है, फ्यूचर्स ETF MTF ऑप्शंस करेंसी म्यूचुअल फंड IPO कुछ भी अगर आप ट्रेड करते हो तो आपकी ब्रोकरेज है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली जीरो है। वहीं पे अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास जाते हो तो डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास ये ब्रोकरेज वरी करती है 0 to 20 तक, कि डिस्काउंट ब्रोकर 0 रुपीज से लेकर 20 रुपीज तक की ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। और वहीं पे अगर फुल सर्विस ब्रोकर की बात करें तो वहां पे ये ब्रोकरेज और भी ज्यादा होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसकी वन टाइम फीस है, ये देखिए ये इनके प्लान है 149 और 999। अगर आप 999 का प्लान लेते हो तो आपकी ब्रोकरेज है वो लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल जीरो होने वाली है, आपको किसी भी सेगमेंट में किसी तरह की कोई ब्रोकरेज नहीं देनी है। तो सबसे अच्छी चीज जो मुझे यहाँ पे है वो यही है कि यहां पे ब्रोकरेज है वो बिल्कुल जीरो है, मुझे एक वन टाइम 999 का प्लान लेना है और उसके बाद मेरी ब्रोकरेज है वो जीरो हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा और भी एडवांटेज है जो आपको यहां पे मिलते हैं, जैसे यहां पे आप देखिए नो कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। कॉल एंड ट्रेड चार्जेस मुझे एक बहुत अच्छी फैसिलिटी लगती है। मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हो या आउट ऑफ स्टेशन हो और आपको अपने ट्रेड्स को मैनेज करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं या ट्रेड से बाहर निकलना है और आप अपने डेस्क पे नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने ब्रोकर की कॉल एंड ट्रेड सर्विस अवेल कर सकते हो, लेकिन उसके पैसे लगते हैं, वो चार्जेबल होती है। लेकिन यहाँ पे कॉल एंड ट्रेड चार्जेस बिल्कुल जीरो है, यहाँ पे ये सर्विस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। उसके अलावा हर एक ब्रोकर जो प्लेटफॉर्म चार्ज होता है वो चार्ज करता है कि आप उस ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है उसको यूज कर रहे हो, तो एनुअली वो उसको चार्ज करता है। ये फीस बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, 100, 200 या 300 रुपीज तक होती है, लेकिन एनुअली एक बार वो चार्ज आपके लगते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी तरह के कोई एनुअल चार्जेस नहीं है। तो एक तो ये चीज मुझे अच्छी लगी, उसके अलावा मुझे यहाँ पे और क्या एडवांटेज दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके अलावा अब आप देखिए यहाँ पे आपको एक वैरायटी मिलती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपकी ब्रोकरेज जीरो है तो आप किसी चीज पे सैक्रिफाइस कर रहे हो। यहाँ पे आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलती है, उसके अलावा आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, आप करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में ट्रेड कर सकते हो, आप IPOs में अप्लाई कर सकते हो। तो ऑल अंडर वन रूफ आपको मिलता है, सारी चीजें आपको मिल रही है, ऐसा नहीं है कि ब्रोकरेज जीरो है तो आप किसी चीज पे सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो यहाँ पे 80% तक की आपको मार्जिन फैसिलिटी मिलती है, लेकिन मार्जिन फैसिलिटी आपको बाकी ब्रोकर है वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। मुझे जो चीज अच्छी लगी वो ये कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है दे आर एज लो एज 7.99%। यहाँ पे आप देखिए जस्ट इन 9 months और यहाँ पे कितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, 4 करोड़ प्लस, 4 करोड़ से ज्यादा ट्रेड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुके हैं एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे। वहीं पे एक्टिव क्लाइंट्स यहाँ पे कितने हैं, 73%। और अगर मैं बात करूं MTF बुक की, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जिसकी अभी हमने बात की, तो दैट इज 100 करोड़ प्लस। तो इस वजह से ये ब्रोकर मुझे काफी पसंद है, क्योंकि बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर मैं एक स्ट्रेटजिस्ट हूं, तो यहाँ पे मल्टी लैग स्ट्रेटजीज को मैं ट्रेड करता हूँ और वहां पे ब्रोकरेज है वो एक बड़ा खर्चा होता है। तो इस वजह से ये ब्रोकर मेरे लिए रिलेवेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे प्लान लेने के बाद मेरी ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो हो जाती है। अब मैं कितने भी लैग्स को ट्रेड कर सकता हूँ बिना ये सोचे कि मुझे ब्रोकरेज पे करना है। तो इस वजह से ये मुझे काफी पसंद है। तो ये है हमारा आयरन फ्लाई का सेटअप, ये एक 4 लैग स्ट्रेटजी है। अब लेट से मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर आपका जो मैक्सिमम लॉस है 2500 रुपीज का है, तो आप यहाँ पे किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको क्या करना है, अनचैलेंज साइड में जाना है और वहां का एक पुट ऑप्शन सेल कर देना है। अब नीचे का आपका ब्रेक इवन क्या है वो आप देखिए, 41100 आपका ब्रेक इवन है नीचे की तरफ। तो अगर आप 41000 रुपीज का भी एक पुट ऑप्शन सेल करते हो तो ऊपर की तरफ आपका जो लॉस है ये काफी कम हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, हालांकि अभी लाइव मार्केट चल रहा है, जब आप इसको रियल मार्केट में करोगे तो प्रीमियम सब डिफरेंट होंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट हम कब करेंगे जब मार्केट मूव हो चुका होगा। तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तब 41000 का जो पुट ऑप्शन है इसका प्रीमियम इतना नहीं होगा, ये मेल्ट हो चुका होगा, ये लेट से 100 रुपीज ही होगा। अभी यहाँ पे कितना है 197, तो प्रीमियम है वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। तो अगर मैं 41000 का एक पुट ऑप्शन सेल कर देता हूँ तो आप देखिए किस तरह के इफेक्ट आते हैं। अब आप देखिए मार्केट अगर ऊपर कहीं भी जाता है तो पहले मुझे 2500 रुपीज का लॉस हो रहा था, लेकिन अब मुझे 2400 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मार्केट ऊपर की तरफ आपको चैलेंज करेगा, मार्केट ऊपर मूव कर चुका होगा, तो जो आपका पुट ऑप्शन है उसका प्रीमियम आपको 197 नहीं मिलेगा, वो मेल्ट हो चुका होगा। तो इस वजह से आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पे 2500 रुपीज का नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ आपका जो 2500 रुपीज का लॉस था वो यहाँ पे कम हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो लॉस था ऑलमोस्ट पूरा हट जाएगा। तो इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करने हैं कि मार्केट अगर आपकी आयरन फ्लाई को ऊपर की तरफ चैलेंज करता है तो जो नीचे का ब्रेक इवन है वहां पे आप एक पुट ऑप्शन को सेल कर दीजिए, और मार्केट अगर आपके आयरन फ्लाई को नीचे की तरफ चैलेंज करता है तो ऊपर की तरफ आपका जो ब्रेक इवन था वहां के एक कॉल ऑप्शन को आप सेल कर दीजिए,
और इससे क्या होगा, जिस तरफ मार्केट ने आपको चैलेंज किया है उस तरफ का आपका लॉस है वो पूरी तरह से हट जाएगा। लेकिन साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो अनचैलेंज साइड है उस तरफ अब आपका लॉस है वो खुल गया है, अगर मार्केट रिवर्स होता है तो वहां पे आपका लॉस है वो अनडिफाइंड है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रखने का मतलब क्या हो गया कि आपको एग्रेसिव एडजस्टमेंट नहीं करने हैं, ऐसा ना हो कि मार्केट थोड़ा सा मूव किया और आपने दूसरी तरफ जाके और एक पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, क्योंकि उस केस में अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो आपका लॉस है वो खुल चुका है। तो आपको एग्रेसिव एडजस्टमेंट नहीं करने हैं, आप देखिए कि कोई फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है। मार्केट अगर आपके ब्रेक इवन को तोड़ के वहां पे ट्रेड करता है, वहां पे टाइम बिताता है, तो बी श्योर कि हाँ मार्केट इसको तोड़ चुका है और मार्केट में भी और नीचे जा सकता है या रिवर्स होने के चांसेस हम काफी कम है। तभी जब आप श्योर हो तभी आप वहां पे जाके और एक पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन को सेल कीजिए। एग्रेसिव होके कभी भी आपको एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और देखिए मैं हमेशा बोलता हूं आयरन फ्लाई की बात नहीं है, एग्रेसिव एडजस्टमेंट है, दैट इज ए वेरी फैटल थिंग। आपको एग्रेसिवली एडजस्टमेंट कभी भी नहीं करने चाहिए चाहे कोई भी स्ट्रेटजी क्यों ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज में क्या होता है, जब आप ट्रेड करते हो उसमें आप एडजस्टमेंट करते हो और एट द एंड ऑफ द डे जब आप देखते हो उस ट्रेड को पूरे को आप प्ले आउट होने दीजिए और मंथ के एंड में जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इस ट्रेड में एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी। तो एडजस्टमेंट्स के लिए हमें कभी भी रश नहीं करना चाहिए, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस ट्रेड में मैं कम से कम एडजस्टमेंट करूं, एडजस्टमेंट शुड बी योर लास्ट रिजोर्ट। तो आपको बिल्कुल भी रश नहीं करना चाहिए और एग्रेसिव एडजस्टमेंट तो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया है कि बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो वहां पे आपके आयरन फ्लाई का सेटअप किस तरह का होना चाहिए और मार्केट अगर आपको चैलेंज करता है तो आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब ये जो एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल बेसिक सा है, इसके और भी एडवांस एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो, उस पर मैं काफी वीडियोस पहले ही बना चुका हूं तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। आज मैंने आपको बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेकर दिखाया है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ। Investments and securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.